अपना जो मोटा है वो नीम के पेड़ से धड़ाम से नीचे गिर गया था। तो यार आज अपने 75 डेज डेली स्प्रिंट चैलेंज का 44वां दिन और ट्री हाउस बनाने का डे सेकंड। और यार कल आपने देखा था कि साइड की दीवार है और फर्श अपनी कंप्लीट हो चुकी थी और जो भी यार फर्श के अंदर जगह बच रही थी उनकी जगह लगाने वाले हैं ये पलाइया और इसके अंदर है बहुत सारी किले जिससे यार हम उसको काफी ज्यादा जो है मजबूती देने वाले हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं कि आज कितना काम होता है। होपली यार उसे कंप्लीट कर देंगे और सच में जो है काफी ज्यादा लुक उसकी आने वाली है और मेहनत भी काफी ज्यादा लगने वाली। तो यार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। हम करते हैं आज के काम को कंप्लीट। ये खड़ी है अपनी S11 और अब चलते हैं भैया जी ऊपर। और यार नीचे से कुछ अपना घर ऐसा लग रहा है भैया, काफ़ी शेप में तो आ चुका है और बाकी सारे के सारे जो औजार है कल के यहीं पे पड़े हैं। अब वो प्लाई लगाने वाले हम इन गैपों के अंदर, क्योंकि यार ये डालों के हिसाब से छूट गई थी तो इनको कवर करते हैं और फिर करते हैं इसके फिनिशिंग का काम कंप्लीट। हाँ बेटा, कितना काम हो गया भाई? सारी चीज़ कवर कर लिए हमने पलायों से, अब करने वाले पीछे वाले दीवार बनाने वाले हम। तो भाई ये पोर्शन आ गया, ये आ गया, अब इसके पीछे के मामले को कवर करने वाले पूरी बैक साइड को ऐसे करके। राइट यार गाइस, तो पीछे की अपनी दीवार भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बाकी है फ्रंट फेस जहाँ पे गेट वगैरह हम लगाने वाले हैं उसको कंप्लीट करते हैं, देन नीचे साफ सफाई करते हैं। यार कितना ज़्यादा जो है बखेरा हो गया भैया जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी हो चुकी है, लेकिन सामने की दीवार को बनाते हैं उसके बाद में इसको भी साफ वगैरह करके बिस्तर लगाते हैं और फिर अपनी जो भी सुख सुविधा का सामान होते हैं वो सारे रखते हैं और फिर दिखाते हैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक। तो यार गाइस फाइनली अपनी फर्स्ट साफ सफाई हो चुकी है और अब आ रही है इसे यार कतलों और गूदड़ों से कवर करने की, तो वो करते हैं। और भाई मैं तो सही में सो रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जो धूप पड़ रही है, मेरी तबीयत भी यार खतरनाक ख़राब हो गई। घंटे भर नींद निकालते उसके बाद करेंगे काम। तो आप देखो भाई ये लगने के बाद कैसा लुक आता है इसका, और फिर थोड़ी देर के लिए गुड नाइट। तो फाइनली अपने बिस्तर लग चुके हैं और भाई यार खुल गया ये, तो थोड़ी देर के लिए गुड नाइट। मज़ा आ रही है इसमें यार, खतरनाक वाली नींद। टेबलेट वगैरह ले ली है मैंने, अब थोड़ी देर सोता हूँ ताकि तबीयत ठीक हो जाए। हाँ तो यार भाई लोगों, नींद निकाल के मैं उठ चुका हूँ यार, सच में 2-2.5 घंटा नींद आ गई थी मस्त वाली पेट पे, और तबीयत भी जो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अब चाय पीते हैं और फिर लगते हैं फटाफट से अपने काम के ऊपर। हाँ तो यार भाइयों, हम वापस घर पे जा रहे हैं पूरे 5 घंटे बाद। अब आप बोलोगे कि यार आप तो ट्री हाउस बना रहे थे उसको छोड़ के 5 घंटे कहाँ पे गायब थे? क्योंकि यार गाइस खतरनाक वाला लपड़ा हो गया था आज, अपना जो मोटा है वो नीम के पेड़ से धड़ाम से नीचे गिर गया था भाई। वो तो अच्छा हुआ कि अपनी भैंस को ऊपर गिरा हुआ जो नीचे बंधी हुई थी उसके ऊपर, अदरवाइज यार सच में काफ़ी ज़्यादा जिसे चोट आ जाती उसके अंदर भी। भैंस पे गिरने के बाद वो भैंस फिर से खड़ी हुई, फिर से उठ के नीचे गिरा, और अब भी हम आ रहे हैं भाई हॉस्पिटल से। मोटा जो पूरा बेहोश हो गया था, आगे तो ठीक है नहीं, ये रही पर्ची वगैरह भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। अब यार क्या ही बोल सकते हैं, टाइम जो है भाई 6 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की वीडियो को यार यहीं पे एंड करते हैं। अब बस घर पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर ने भी बोला आराम करना और मेरी भी तबीयत ख़राब है भैया जी। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम हमारी गलती की वजह से फेल हुए। मिलता आप लोगों से सुबह नई वीडियो में नए चैलेंज के साथ। तो आप अपने हिसाब से देख लेना यार, बिल्कुल भी बोलने का मूड नहीं कर रहा, करते इस वीडियो को यहीं पे।